मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई। अस्सलामु अलैकुम। सुबह का आगाज़ आप लोगों के साथ। फजर की नमाज़ हो गई है मेरी, और देखें घड़ी देख लें कितना बजा, 5:10 हो गया है, और नमाज मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो याद आया कि चलें आप लोगों से सुबह सुबह की जो है दुआ सलाम हो जाए, उसके बाद जो दिन के रूटीन होते हैं वो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अल्लाह का शुक्र हम भी अच्छे हैं। तो आज जो भी होता है आप लोगों से हम ज़रूर शेयर करेंगे, हमारे साथ बने रहें। अभी और बच्चे सो रहे हैं, सिर्फ हम ही अकेले उठे हैं, तो अब चलते हैं तिलावत कर लेते हैं। नमाज पढ़ना अल्लाह को राज़ी करना, तिलावत करना अल्लाह को राज़ी करना है। मरकर यही सब जाएगा, दुनिया में तो रहना नहीं है खाली। अल्लाह पाक सबसे राज़ी रहे, अल्लाह पाक सबकी मगफरत फरमाए, आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين। चाय बन गई है और अदनान की चाय निकाल दिया क्योंकि ज़्यादा काली वाली नहीं पीते हैं और हमको कड़ी चाहिए, तो इसलिए और पत्ती डालकर हम कड़ी कर रहे हैं अपनी चाय। आलू छील दिया है, आज बना रहे हैं पूड़ी बहुत दिनों बाद, देखते हैं। वैसे मीठा तो नहीं है आलू। अदनान रात में ही पूड़ी मांग रहे थे, तो हम सारे खाना बना चुके थे, दाल चावल रोटी सब्जी सब बना लिए थे, तो रात में मांग रहे थे, बताएं छोटे बच्चों की तरह। हमने कहा सुबह देंगे नाश्ते में, तो अभी उबाल लिया आलू, अभी चटनी चलते हैं पीस लेते हैं। हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, चलते हैं बनाने। आइए बहुत प्यारी छोटी हदीस सुनाते हैं, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन बटन दबा दें। किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? फूल ने जवाब दिया कि तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। माशाल्लाह। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दूसरों की तकलीफ़ दूर करके हमें खुद बहुत अच्छा लगता है, उनकी तकलीफ़ दूर होती है। तो तकलीफ़ का सामना खुद ही करना पड़ेगा, वक्त कैसा भी आए परेशान नहीं होना, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और जिसका अल्लाह होता है उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती। खुदा कहता है किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ़ की फ़िक्र मत करना। माशाल्लाह। अपनी ज़िंदगी का दूसरों से मुकाबला मत करें, सूरज और चाँद में कोई मुकाबला नहीं, दोनों अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। बहरहाल जो भी हो ले देकर अल्लाह पर ही भरोसा है, अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है। तो नाश्ते से खाली हो गए, नाश्ता हो गया तो मशीन लेकर बैठ गए हैं, थोड़ा बहुत सिलाई के लिए जंपर की, तो हमने कहा ला जंपर सिल लेते हैं। और अच्छी हदीस, प्यारी हदीस जिसको मालूम हो तो वो दूसरों तक पहुँचाए, ज़रूरी है। मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई। घाट आ गया, धोबी के यहाँ जाने के लिए तैयारी हो गई, कपड़ा सूख गया और माड़ वाला तैयार हो गया है, दो पैंट है, दो शर्ट है, और ये है दो कुर्ता है, दो पैजामा, और ये है गमछा दुपट्टा कह रहे हैं, माफ़ कीजिए, तौलिया है, सब बनियान है,
और उबैद का कुर्ता है, इसको भी प्रेस करने को दे देते हैं। तो इतना बहरहाल पहले गट्ठर माड़ वाला बना लेते हैं, उसके बाद सीता है उसको भी लगा देते हैं। पहले थे वो गठरी में बांध दिया है, धोबी को जाएगा। और जो ऐसे कपड़े थे सादे, तो उसको हमने तह लगा दिया है। ये जैसे बनियान है, गमछा है, और उबैद का ये कुर्ता है, और ये शर्ट है, इसको हमने सब तह लगा दिया अच्छे से। और ये बनियान है वाली साहब की, और ये गमछा है, ये उनके बैग में जाएगा, रखा जाएगा, ये उनकी अपनी जगह पे जगह जगह सब अपना रख जाएगा। ये है फरहान का, जो है उनकी अटैची में जाएगा, उबैद की अलमारी में सब रखा जाएगा। और ये वाला कपड़ा जो है यहाँ पर रख देते हैं कुर्सी पर, कल आएगा या धोबी के यहाँ चला जाएगा, या तो फिर धोबी आएंगे ले जाएंगे। तो बच्चों के सब कड़े कपड़े जगह जगह रख देंगे, तो इधर उधर सब ढूंढेंगे, तो अपनी जगह रख देंगे, तो वो सब पा जाएंगे, तो कुछ नहीं बोलेंगे। उबैद का उबैद की अलमारी में डाल देते हैं। सामान जो है अपनी जगह जब सही सही जो जहाँ से उठाए वहीं रखे, तो सब मिल जाता है आराम से। और बहुत लोग लापरवाही बहुत करते हैं, जो सामान जहाँ से उठाते हैं वहीं फेंक देते हैं। हमारी आदत ही नहीं है, हमको अच्छा ही नहीं लगता, जो जहाँ से आए वो अपने यहाँ पहुँचाए। अगर कपड़ा हम धुल दिया फिर लाने की फिक्र रहती है। ये है फरहान का, अभी आते हैं तो अटैची में डाल देते हैं। बाकी सबका कपड़ा अपनी जगह पे हो गया है। हमारी आदत है कि जितनी जल्दी धुलने की आदत रहती है, उतनी ही जल्दी फैलाने की, और सूख जाए तो फौरन लाने की। कुछ लोगों को देखा आदत है कि धुल दिया तो डाल दिया तो दो दिन भूल गए, ऐसा कुछ नहीं, बस ये दिमाग में धुल गया तो वापस ले आना, इतनी मेहनत से धुला है, कलर उड़ जाएगा, ये सब कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो ये सब की फिक्र लगी रहती है। उबैद चले गए, उबैद का बेड एकदम सूना है। फरहान सोए थे रात में, फिर वो चले गए दिन में, इस वक्त गेम खेल रहे हैं जी में। आज स्टू बना है, देखें अंडे वाला। और ये है गोभी, जो उबैद नहीं खाते हैं, तो गोभी बनी है, स्टू बना है। और हमारा जो है चावल रेडी हो चुका है। और ये है हमारी आलू वाली हरी वाली सब्जी। तो अभी सिर्फ दाल बची है चढ़ाना है, और बर्तन धुलना है थोड़ा बहुत, आर्दू नहीं आई है, तो अभी ये वाला धो लेते हैं और दाल चढ़ा देते हैं, और रोटी बाकी है दोनों काम कर लेते हैं। तो हमने सोचा वीडियो को भी एंड कर देते हैं, बहुत लंबी हो जाती है, यूट्यूब पर डालने में बड़ी दिक्कत होती है, आधा घंटा लग जाता है डालने में। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपना बहुत सारा ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।